योद्धाओं का देश, एक ऐसा देश जहां अनेक ऐसे सम्राट हुए हैं जिनकी शौर्य गाथाएं सुनकर हम आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसी है एक सम्राट की शौर्य गाथा का साक्षी हूं मैं, जिसने अपने पराक्रम और प्रेम भाव से भारत की पृष्ठभूमि पर अपने अमिट निशान छोड़े और सदा के लिए अमर हो गया। ये शौर्य गाथा है सम्राट खारवेला की। मेरे प्रांगण में मौजूद हाथी गुंफा शिलालेखों में मिलते हैं खारवेला की महानता के तथ्य कि कैसे एक तबाह हो चुकी कलिंगा नगरी के युवराज ने एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का सफर तय किया। खारवेला को सम्राट बने 7 साल बीत चुके थे। अतीत में हुए मगध सम्राट अशोक द्वारा किए गए अत्याचारों को वो भूले नहीं थे और उन्हें अभी शीतलनाथ जीना की प्रतिमा को भी मगध से कलिंगा वापस लाना था। उन्होंने मगध से युद्ध करने का निर्णय लिया। तभी उनके सूत्रों ने उन्हें सूचित किया कि ग्रीक सम्राट डिमेट्रियस भी मगध पर हमला करने को तैयार है और अगर वो दोनों मिल जाएं तो मगध पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। खारवेला एक दूरदर्शी सम्राट थे जिन्होंने भारत की अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखा और इतिहास को भुलाकर भविष्य के बारे में सोचा। उन्होंने मगध से युद्ध न कर ग्रीक सम्राट डिमेट्रियस को रोकने के लिए अपनी सेना भेजी। उनका मानना था कि डिमेट्रियस भारत में लूट के इरादे से आया है और हमें किसी बाहरी ताकत को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। ये देखते हुए मगध ने सम्मानपूर्वक शीतलनाथ जीना की प्रतिमा को कलिंगा को वापस लौटा दिया।